आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। अपने घर से जनता को फ्री में राशन नहीं देते हैं योगी और मोदी। यह जनता का धन है, जनता के पास जाता है। यह बात कहते हुए विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बिहार सरकार में मत्स्य तथा पशु विभाग के कैबिनेट मंत्री मुकेश सहनी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिला के गोपालपुर विधानसभा में अपने प्रत्याशी योगेंद्र यादव के प्रचार में आकर मीडिया से कहा। जब मीडिया ने सवाल किया कि आखिर एक तरफ संजय निषाद जी चल रहे हैं, दूसरी तरफ आप, तो कैसे आप लोग अपने समाज को मोटिवेट कर पाएंगे? इसके जवाब में मुकेश सहनी ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश से हर हाल में भाजपा को साफ करेंगे। हम अपने समाज के लोगों से कह दिए हैं कि जहां हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है वहां अपने प्रत्याशी को चुनाव वोट दीजिए, और जहां हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है वहां से जो प्रत्याशी भाजपा के प्रत्याशियों को हरा रहा है आप उसको वोट दीजिए, चाहे वह किसी भी पार्टी का प्रत्याशी हो। रहा सवाल संजय जी का, तो यह उनका मामला है, वह भी आज भाजपा की गोद में जाकर बैठे हैं, जबकि समाज और न्याय की लड़ाई की बात भी किया करते थे, मगर सच्चाई सामने आ ही जाती है। भाजपा का समर्थन करने से आप लोग को ही समझ जाएंगे कि उनका ख्याल और विचार कैसा है। फिर भी हमारी पार्टी पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। फ्री में राशन वितरण के जवाब में उन्होंने कहा कि योगी और मोदी अपने घर से जनता को राशन नहीं दे रहे हैं, यह जनता का धन है, जनता के पास जा रहा है। फ्री में राशन बांटने जैसे नियम को कोरोना काल में रामविलास पासवान जी ने बनाया था, और आज यह लोग उस नियम का फायदा उठाकर अपने नाम का ढिंढोरा पिटवा रहे हैं कि फ्री में राशन दे रहे हैं, जबकि सच यह है कि फ्री में राशन अपने घर से नहीं दे रहे हैं, ना अपनी सैलरी से दे रहे हैं। यह जनता का धन है, जनता के पास जा रहा है, और हमें फ्री में राशन नहीं चाहिए, हमें फ्री में शिक्षा चाहिए, इलाज चाहिए और रोजगार चाहिए। न्यूज 9 भारत के लिए शिखा रावत के साथ रोशन लाल की खास रिपोर्ट। यूपी का चुनाव बड़ा जातिगत समीकरणों पे लड़ा जाता है जी, और गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र इस मामले में बड़ा सेंसिटिव है। ऐसे में संजय निषाद जी भाजपा के साथ हैं और आप अकेला चलो की भावना से चल रहे हैं, या फिर बीजेपी का आरोप है कि आप सपा के बीच ही? इसको क्या आरोप लगाना, वो लगा है। हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं। हमारी लड़ाई दिल्ली के सरकार से है, हमारी लड़ाई की निषाद को आरक्षण दे, नहीं तो दिल्ली भी खाली करे। अभी तो हम इस बार 2022 में उत्तर प्रदेश खाली कराने के लिए आए हैं। मजबूती से जहां हमारे प्रत्याशी लड़ रहे पूरे प्रदेश में, वहां पे अपने लिए वोट मांग रहे, अपने प्रत्याशी को जिता रहे। जहां हम लोग नहीं लड़ रहे वहां पे हमारे अपने पार्टी के पदाधिकारी जनता से और हमारे शुभचिंतक से अपील करते हैं कि वहां पे भाजपा को हराइए, और वहां पे जो मजबूत प्रत्याशी नज़र आएगा, चाहे वो सपा हो, बसपा हो या कांग्रेस हो, उनको वोट देकर उसको जिताइए। तो किसी का एक भी रहते तो फिर एक आदमी का नाम बोलते ना, हम तो तीनों लोगों के बोल रहे हैं, ABC बोल रहे हैं, तीनों में से जो अच्छे मजबूत प्रत्याशी लड़ेंगे उनको जिताइए और भाजपा को हराइए। ये उद्देश्य से हम पूरे प्रदेश में लगे हैं। डॉक्टर संजय निषाद जी हमारे समाज के बेटा है, वो भी समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, हम भी बिहार में लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन वो आज लड़ाई लड़ते लड़ते अपने परिवार के लिए सोचने लगे, और हम अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं समाज के लिए। आज भाजपा से इतना अच्छा दोस्ती रहने के बावजूद भी अपने हक अधिकार के लिए मैं भाजपा से भी लड़ रहा हूँ, और आज वो भाजपा के गोद में जाकर बैठ गए। आप बताइए ना, वो दो पार्टी नहीं दुकान चला रहे हैं, वो चुनाव बातें हैं, भाजपा के सिंबल पर अपने बेटा को इस बार चुनाव लड़ा रहे हैं, इससे पूर्व में भी भाजपा के सिंबल पे चुनाव लड़ा है, सांसद बनाए, उससे पहले सपा के सिंबल पे अपने बेटा को सांसद बनाए, इस बार अभी MLC भी BJP के समर्थन से बन गए। तो एक व्यक्ति जो पार्टी चलाता हो देश दुनिया में कहीं पर, बताइए कि अपना पार्टी रहते हुए अपने बच्चे को दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ा है, और यहाँ पे भी टिकट मिला तो एक भी बताइए कार्यकर्ता को, समाज के लोगों को टिकट दिया हो, सब पैसे के ऊपर दूसरे लोगों को टिकट दे दिया, जो जीत के भी आएंगे समाज की बात नहीं करेंगे, पार्टी की बात नहीं करेंगे, वो बाहर के लोग हैं, बाहर ही रह जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि समाज के सही शुभचिंतक जो होंगे, समाज के हक अधिकार की जो लड़ाई लड़ेंगे, वो समाज खुद आज जागरूक हो चुका और समाज उन्हीं को मदद करने वाले हैं, और VIP पार्टी मजबूती से जनाधार के साथ बढ़ रहा है, और बहुत अच्छा खासा प्रत्याशी हमारे उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत के जाएंगे, और VIP के बगैर सरकार नहीं बनेगा। जिस तरीके से बिहार में
बीजेपी के बगैर सरकार नहीं बना, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बगैर सरकार नहीं बना। लेकिन सर ये बताइए सर कि कुछ आम जनता आप ही के लोग कह रहे हैं कि भाजपा सरकार हमको राशन दे रही है, गल्ला दे रही है, पैसा दे रही है, उनको कैसे आप मोटिवेट कर लेंगे वोट लेने के लिए अपने लिए? तो यही है कि देखिए सच्चाई यही है, राशन दे रहे हैं और मोदी जी अपने घर से नहीं दे रहे हैं या योगी जी अपने घर से नहीं दे रहे, ये देश का संपत्ति है। और हर देश में जो भी प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या मान लीजिए विधायक हो, जो भी सरकार का योजना होता है जमीन तक पहुंचाते हैं और कोई दे रहे हैं तो कोई मेहरबानी नहीं करें, ये भारत का संपत्ति है। और ये भी योजना जो है स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी ने लागू किया जब खाद्य उपभोक्ता मंत्री थे, वो दलित का बेटा थे, वो देखे कि देश में कोरोना है, उस काल में कोई भूखा सोए नहीं, इसलिए वो दुख दर्द समझते थे और देश में ये योजना लागू किए। आज कहीं ना कहीं उनका नाम भुला के और अपने नाम कर रहे हैं, वाहवाही कर रहे हैं। हमें नहीं चाहिए 5 किलो चावल, हमें हमारे बच्चे को नौकरी चाहिए, हमें 5 किलो चावल नहीं चाहिए, हमारे बच्चे को अच्छे से पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए, हमें नौकरी नहीं, हमें राशन नहीं चाहिए, हमारे बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। आज यहाँ के सरकार या दिल्ली के सरकार आज 5 किलो चावल दे के उसको लग रहा है कि जनता का वोट खरीद लेंगे, तो वो गलत फहमी में है। ऐसे में जैसे आप आए हैं यहाँ अपने समाज को जागरूक करने के लिए, तो क्या संदेश देना चाहते हैं अपने समाज को? संदेश यही है, मजबूती अपने हक अधिकार के लड़िए, अपने आने वाले बच्चे के भविष्य के लिए लड़िए। आज जो दिल्ली में जो सरकार है वो आपके गरीब के लिए नहीं है, वो अडानी अंबानी के लिए है। आज देखिए जो भारत सरकार का जो जितने भी संस्था था वो प्राइवेट किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं देश के जनता को, युवा को सोचना है, युवा को अपने आने वाले पीढ़ी के लिए लड़ना है, अभी मैदान में उतर के और ऐसे सरकार को सत्ता से बाहर करना। नहीं सर, तो एक मिनट सर, कहीं ना कहीं दलित। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।